क्वेश्चन, सेटिस्फैक्शन किधर है? इधर है सेटिस्फैक्शन. आई मीन वो बर्फ के ऊपर चल रहा है एंड इट्स क्रैकिंग, क्रैकिंग बर्फ के ऊपर. आज से पहले कोई चला है क्या? अगर चला है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? देखने से तो मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सेटिस्फैक्शन, ये क्या चीज़ है? ये किसी सीड को आई थिंक निकाल रहे हैं. वाओ, दैट वाज सेटिस्फाइंग. ये एक ट्री है, ट्री के अंदर का कुछ, आई थिंक ये ट्री के ट्रंक के अंदर कुछ बना रहा है, एक होल बना दिया. वाओ, आई थिंक ये कुछ ट्री ट्रंक वाला आर्ट है और इस तरीके से गाइस कार्ड्स बनाए जाते हैं. ओ भाई, ये प्रो है. वाओ भाई, बचपन में ना बहुत मज़ा आता था इन कार्ड्स के साथ खेलने में, और अभी मुझे पता चला कि कार्ड्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. वो लेडी बस ऐसे पार्ट्स उतारती है, खट 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 खट, और बन गया आपका कार्ड. वाओ, क्या निशाना है! ये लगोरी से वो लकड़ी को तोड़ रहा है इतनी दूर से. भाई साहब, इसको यू नो इसमें भेजना चाहिए, वो आर्चरी में. ये चीज़ दिखने में बहुत सैटिस्फाइंग है क्योंकि वो इतनी दूर से निशाना लगा रहा है. मेरा यू नो वहाँ पे एक ये अटका पड़ा है पेड़ पे, हमारे कोई निकाल देगा क्या? वो क्या बोलते हैं उसको, मेरा वाईफाई अटका पड़ा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो. एक कौवा है और ये पजल को सॉल्व कर रहा है. ओ होशियार कौवा, आई मीन जो हमने गाइस बचपन में स्टोरी सुनी थी ना, ये वही कौवा है. यू नो वो ऐसे पत्थर डाल के सब पानी को पीता था, तो ये वही कौवा है. और आई थिंक ये सारे पजल्स को सॉल्व कर देगा. ये वो परफेक्ट भाई, ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट है. और ये अभी सर्कल में सर्कल, अबे अबे कौवे कहीं के, कौवा कौवा उधर उधर उधर, वो कहीं में, ठीक है समझ गया मैं. This is so cute and satisfying also. And अभी आखिरी का कुछ ट्रायंगल वो भी डाल दिया उसने. एक लाइक बनता है कौवे के लिए, कौवा बिरयानी. ये क्या चीज़ है? आई थिंक ये शिप को अनबॉक्स कर रहे हैं. वो ये शिप को बनाया है मोल्ड में, पता नहीं, बट जो भी है बहुत सैटिस्फाइंग है. मैंने पहली बार ये चीज़ देखी है. और ये फिजर स्पिनर है, वो ये घूम रहा है. अरे वो सीरियस, ये दिखाई भी नहीं दे रहा कि घूम रहा है ये. भाई बहुत सैटिस्फाइंग है, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट कलर का ये फिजर स्पिनर है. वैसे आपके पास, किसी के पास है क्या फिजर स्पिनर? लेट मी नो द कमेंट्स. ये क्या है? आई डोंट नो. साबुन है क्या ये? और ये उसको कट कर रहे हैं, वो साबुन कटर. दिस इज सो सैटिस्फाइंग. मैंने पहली बार देखा है साबुन को कुछ इस तरीके से कट किया जाता है. ये बॉटल के अंदर, वाओ ये क्या है? बहुत सैटिस्फाइंग है. जो भी है, अशिया लिखा है उसके ऊपर, मे बी कोई ड्रिंक है. भाई बहुत सही है, देखा किसका एकदम परफेक्ट रेड और येलो कलर है. आई वॉन्ट टू ईट दिस, जो भी है पता नहीं क्या है, बट बहुत सही है, इसको खाने में मजा आएगा. ये तेल के अंदर कुछ, तवा नहीं है, ये जो भी है टूल डाल दिया है. एंड देन इसको वॉट, टिश्यू पेपर के ऊपर उसका तेल निकाल दिया. और अभी ये क्या है? गरम. ओ ये ऑमलेट, आई थिंक ये ऑमलेट पता, या आई थिंक ऑमलेट ही है. और उसको अभी तल दिया. भाई ये कौन सा डिश होता है ये? आई डोंट नो ये ऑमलेट है क्या, नहीं बट पता नहीं क्या था ये, बट जो भी है ये इस तरीके से इस डिश को पकाया जाता है. भाई ये आइसक्रीम के कोन की तरह लग रहा है. एंड देयर यू गो, आपका तेल से बना हुआ फ्राई तैयार है. ये क्या आइसक्रीम है क्या? नहीं आइसक्रीम नहीं, चॉकलेट है क्या? ये उसके अंदर होल बना रहे हैं, पता नहीं क्या ये. नो, ये उसके अंदर का ऑयल निकाल रहे आई थिंक. ओ देखो, फोल्स के अंदर से वो अंदर जा रहा है, तो इस तरीके से ऑयल निकाला जाता है किसी सब्जी में से, या ये पेट्रोल है. पता नहीं क्या था ये. यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा हाउस है, मैं भी बच्चों के लिए, भाई बहुत सही है. यू नो बचपन में हम ऐसे सपने देखते थे कि भाई हाँ ऐसा मेरा एक यू नो छोटा सा हाउस, मेरा बेडरूम के अंदर हाउस होगा. और यहाँ पे कुछ बुक्स लगा दिए, टेडी बेयर्स रख दिए, एंड देयर यू गो, आपका छोटा सा प्यारा सा बेडरूम तैयार है. एंड दैट वाज रियली सैटिस्फाइंग टू वॉच. इतने प्यारे से क्यूट क्यूट से डॉल्स है. यहाँ पे कौन कौन सा होना चाहेगा, लेट मी नो कमेंट सेक्शन. आपका ड्रीम बेड ऐसा हो सकता है. और इसने देखो वहाँ पे चकाचक कर दिया बच्चों का रूम, परफेक्ट बच्चों का रूम है ये. आपके पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो और बोलो मेरे को ऐसा रूम चाहिए. अबे साले, मजाक कर रहा हूँ मैं. ये एक ड्रैगन फ्रूट है और ये ड्रैगन फ्रूट की सब्जी बनती है. व्हाट, उसका जूस बना दिया. और अभी आटे के अंदर मिक्स करके क्या आइसक्रीम बनेगा? ड्रैगन आइसक्रीम. ओ चप्पल बना. आर यू सीरियस? तो इसको हम ड्रैगन चप्पल बुलाएंगे या ड्रैगन फ्रूट की, तो ऑब्वियसली ड्रैगन चप्पल होगी ये. और उसके ऊपर ERKE लिखा है, पता नहीं क्या है ये. और इसको बेक कर दिया और भी चप्पल को खा सकते हैं. किसको खानी है चप्पल, कमेंट से बताऊँ. वॉट इज दिस? ये मिक्स कर रही है किसी चीज़ को, आई थिंक पेंट को मिक्स कर रही है. रेड और येलो कलर है. वो अभी तक का सबसे बेस्ट सैटिस्फाइंग वीडियो था ये. भाई एकदम पूरा मिक्स हो गया. वाओ, मजा आ गया देख के. मैंने पहली बार देखा ऐसा पेंट को मिक्स करते हुए, एकदम परफेक्ट जगह घूम रहा है वो. वेरी नाइस. बैडमिंटन रैट से क्या कर रही है? ओ चीज, ओ चीज के टुकड़े. व्हाट द हेक. ओ भाई, अगर आपके पास यू नो चीज के टुकड़े करने का कोई आइडिया नहीं है, यू नीड दिस थिंग.
भाई उसने मतलब लिटरली वो बैडमिंटन रैट से चीज़ के टुकड़े कर दिए। वैसे काफ़ी यूनिक आइडिया है, आप ये इसको ट्राई कर सकते हो अपने घर में। वॉट इज हैपनिंग, ये बबल्स बना दिए इसने बहुत सारे वो कप के साइड में, आई डोंट नो व्हाई। और अभी उसके ऊपर उसका डिज़ाइन आ गया, वाओ, ऐसा पत्ती की तरह लग रहा है। मैं पत्तियों के ऊपर एग्जैक्टली ऐसा ही डिज़ाइन होता है, तो आप इस तरीके से उन्होंने कस्टम कप्स को बना सकते हो। इसको कस्टम कप ही बोलेंगे हम, ये वाला डिज़ाइन वाला काफ़ी बढ़िया था। ये कौन सी मशीन है जिसके अंदर बहुत सारी लकड़ियों को आई थिंक ये कॉम्प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है। ओ बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर दिया, पता नहीं मे बी इससे कुछ बनेगा ऐसे क्यूब स्क्वेयर्स वगैरह। ओ नो, वो फट जाएगा ऐसा लग रहा है। ये कौन सा फ्रूट है, उसको कट कर दिया आई थिंक, उसका कुछ ये डिज़ाइन बनाने वाला है। उसका पूरा स्किन ही निकाल दिया कहीं ये, ओ नो ये ऑरेंज है, इतना बड़ा ऑरेंज और उसका पूरा स्किन निकाल दिया भाई, उसको ये पील ऑफ कर रहे हैं भाई। इतना बड़ा भी होता है भाई, लिटरली पूरे हाथ जितना बड़ा है, मैंने पहली बार देखा है। उसको खाने में मज़ा आएगा, ऑरेंज ऑरेंज ही है ना ये, हाँ आई थिंक ऑरेंज ही है। और अभी इसको एकदम परफेक्टली कट कर दिया, उसका पूरा स्किन पील ऑफ कर दिया भाई, इस तरीके से ऑरेंज खाया जाता है एग्जैक्टली। और देखो इसने टूथपिक से सारे एकदम परफेक्टली उसको ऐसे खाया जाता है ऑरेंज को, नहीं तो भाई हम लोग ऐसे उठा के पूरा खा देते, बट इस तरीके से खाया जाता है परफेक्टली फाइन ऑरेंज। ये आदमी ने यहाँ पे खिलौने बनाए बहुत सारे, वाओ, एक बंदा घुमा रहा है, दूसरा वहाँ पे मिर्ची बना रहा है, गांव का सीन लग रहा है मुझे ये, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लकड़ी वगैरह तोड़ रहे, वाओ दिस इज सो कूल, अनसैटिस्फाइंग टू वॉच ऑल्सो। देखो वहाँ पे बच्चा भी झूल रहा है ये कौन सी मशीन है, ये भी लकड़ी को कट करती है, वो कट नहीं करती, पूरा उसका भुरता ही बना भाई, मतलब पेड़ को लिटरली गाय भी कर देती है। ओ नो, ये बहुत बुरा है उस पेड़ के लिए, बट मे बी उस पेड़ को काटना ही था भाई, उसका पूरा आई मीन उसको गाय भी कर दिया वहाँ से, वहाँ पे अभी लग भी नहीं रहा कोई वहाँ पे पेड़ है, उसका पूरा भरता बना दिया एग्जैक्टली, नामो निशानी मिटा दिया पेड़ का। ये यहाँ पे लड़की वाटरमेलन को कट कर रही है, मे बी कोई वाटरमेलन डिश बेचने वाली है, लेट्स सी। वाओ, एकदम परफेक्ट स्लाइस, जो हम स्कूल में देखते थे ना स्कूल के किताबों में, एग्जैक्टली ऐसा ही था, मतलब उसका ये होता था स्लाइस, इसने एकदम परफेक्ट उसको कट कर दिया। मेरे को भी एक चाहिए, मेरा भी ऑर्डर लिख दो। और ये यहाँ पे पैकिंग करके बेचता है, यहाँ पे एक हिप्पो है और उसको ये लोग केले खिला रहे हैं, व्हाट, उसका भाई पूरे 12 केले उसके मुँह के अंदर समा गए भाई, कितना बड़ा मुँह है इसका, ओ माई गॉड, बट काफ़ी क्यूट है ये हिप्पो। मेरे यू नो मैंने गेम खेला मेरे गेमिंग चैनल पर प्लैनेट जू नाम का, वहाँ पर मेरे पास हिप्पो है और वो बेस खाता है। वॉट इज़ हैपनिंग, ये पाइप के अंदर से एक बंदा कुछ निकाल रहा है और नीचे उसने एक बर्तन रखा है, तो क्या है भैया, वो मछली, वॉट, इतनी सारी मछलियाँ, आई थिंक ये सील मछली है भाई, उसने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी कैसे, वो वहाँ पे पीछे की तरफ एक जाल भी है भाई। सो गाइस आज के लिए इतना था, आई होप आपको पसंद आएगा, और आपको मुझसे सबसे सैटिस्फाइंग चीज कौन सी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।